धोखा मिलेगा, इलाज नहीं होगा धोखा होगा तुम्हारे साथ, तो इलाज होगा ही नहीं तुम्हारा, और नाटक करेंगे हाँ हम इलाज कर रहे हैं, तो हाथ चलने लगा जिंदगी में नहीं चलेगा, तुम्हें धोखा चाहिए, तुम्हें धोखा चाहिए कि तुम्हें इलाज चाहिए, क्या तुम नेता हो नेतागिरी ही करोगे, हमें फ्री चाहिए, हमें नेता ने हमारे हमारी हमारा इंसान सही हो जाए और कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारा इंसान नहीं इसलिए नहीं हो जाए, तुम्हारा इंसान फ्री में सही हो जाए, तो सरकार तुम्हें सुविधा दे रही है 5 लाख रुपए की, उसमें तुम्हारा मरीज फ्री में सही हो जाए, तुम्हें ये चाहिए, तुम्हें ये नहीं मालूम है कि फ्री वाले इलाज में कभी सही नहीं होगा, कभी सही होगा ही नहीं, जिस अस्पताल को 2200 रुपए मिल रहे हैं वो 6000 का इंजेक्शन क्यों लगाएगा तुम्हें, वो 2200 रुपए में इलाज करेगा, 2200 रुपए में वो इलाज होता है जो डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में होता है, चूरन चटनी की गोली खिला दो बस, तुम्हारे को अभी तक समझ में नहीं आई, तुम्हारे दिमाग से एक बात निकली नहीं कि हर चीज फ्री होनी चाहिए, हर चीज फ्री होनी चाहिए, रसीद क्यों नहीं दे रहे हैं, रसीद दे दे ताकि जाके हम केस करें और अस्पताल की ऐसी की तैसी करें, ठीक है हमने अपनी तरफ से ईमानदारी से जितना बेस्ट कर सकते हैं सब कुछ किया, तुम्हारा मरीज पहले से बहुत अच्छा है, तुम रोते हुए लोग हो जिंदगी भर रहोगे, तुम्हें कोई अपना अस्पताल बेच के भी लगा देगा तुम तब भी रहोगे, तुम कहोगे हमारी टट्टी साफ नहीं करी, तुम ये करोगे, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है, क्यों भाई दिमाग खराब कर दिया पूरा दिन गुजारना है, वो आदमी गलत है, वो जिंदगी भर जूते खाएगा, उसका अपनी बीवी से डिवोर्स होगा, डिवोर्स नहीं होगा तो उसकी बीवी आत्महत्या करेगी, उसके अड़ोसी पड़ोसी लोग उससे झगड़ा करेंगे हमेशा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा तीखा है, वो रेडिकल है, वो रेडिकल है, उसको हर चीज जो है सरकार हमें सुविधा देती है, सरकार तुम्हें सुविधा देती है तो अस्पताल को पेमेंट कैसे करती है, अगर सरकार सुविधा देनी है तो वो सरकारी अस्पताल में क्यों नहीं इलाज करती है, क्योंकि वो सरकारी इलाज अस्पताल में इलाज नहीं कर सकती है, ना उसके पास ज्ञान है ना उसके पास सुविधा है, और सरकारी इलाज में जो तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल है वहां का बजट यहां से 10 गुना 14 करोड़ रुपए डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के लगते हैं, सब खा जाते हैं नेता और डॉक्टर मिलते हैं वहां के, अगर सरकार तुम्हें सुविधा दे रही है तो सरकारी अस्पताल में क्यों नहीं इलाज करा रही है, प्राइवेट अस्पताल क्यों आना पड़ रहा है, क्योंकि सरकारी अस्पताल में इसका इलाज नहीं है, चलो तुम छोड़ो मुझे गलतबाजी मत करो दीदी, मेरे ज्यादा कहने का बुरा ना मानना, इस आदमी ने मुझे गुस्सा दिला दिया, तुम कल थी इसलिए मैंने इंजेक्शन की बात कह दी होता, मैं कहता भी नहीं, भाई तुम मेरे ऐसे में मत आना, तो यहाँ से बाहर निकल जा, मेरे सामने पढ़ना मत, किसी आदमी से बात मत करना, सरकार की सुविधा पालना, सरकार की सुविधा लेके जिंदा रहना, तुम दीदी सुनो हमने आउट ऑफ द वे जाके तुम्हारी हेल्प करी है, ठीक है, तुम्हारा मरीज काफी ज्यादा पहले से ठीक है, और एक इंजेक्शन लगा लिया दो इंजेक्शन लगा लिया फिर भी आधा वो ठीक हो गई, अगर 3 लगाते तो वो और ज्यादा ठीक होती, पर अब जितनी उसकी किस्मत वो ठीक है।